पूरे परिवार के साथ आए हैं स्नान करने? नहीं नहीं, अकेले आए हैं, पैसा खोजने वाले। अच्छा, क्या काम करते हैं? पैसा खोजते हैं। पैसा खोजते हैं, पैसा निकालते हैं उसमें से? हाँ। कैसे? हाथ से? हाथ से चुम्बक उम्बक लिए रहते? नहीं, चुम्बक नहीं लिए, कुछ नहीं लिए रहते, वह डुबकी मार करके पैसा निकालते हैं। हाँ, गोताखोर। तो ये जान लीजिए, इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में और प्रयागराज की ये गंगा नदी है, समझ रहे हैं, और इसी घाट पर मैं आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं। देखिए, पहले कुछ लोग नहा भी रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, हालांकि मेन घाट उधर है। और आपको आज जहाँ जो चीज़ दिखाने वाले हैं यहाँ पर, वो है सफाई। कितनी सफाई है, आइए देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप तो जानते हैं कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ये सफाई है, समझ रहे हैं, ये सफाई है। और जिस तरह से यहाँ पर जो है एकदम इस जगह को नज़रअंदाज कर दिया गया है, कूड़ा कचरा एकदम भरा हुआ है। और आइए, यहाँ पर एक जो है पंडित जी हैं, पूजा वूजा करवाते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब सफाई हुआ था लास्ट बार यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं दारागन प्रयाग का रहने वाला हूँ। कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? ये काम तो हमारा लोगों पुश्तैनी ही काम है। अच्छा, अच्छा। ये गंगा तट का और जो भी प्राणी आते हैं, श्रद्धा भाव से उनका पूजन पाठ होता है। और यहाँ तो व्यवस्था देखकर ये लगता है कि जो है राम घाट तो है, मगर नाम का है वो। हाँ। काम का तो कोई राम घाट नाम इसका जी। अच्छा। राम घाट तो नाम का है, काम तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ना नगर निगम, ना कोई अधिकारी बड़ा, कभी ना मेला प्राधिकरण का अधिकारी, कोई कभी निरीक्षण करता ही नहीं है। अच्छा, तो कभी नहीं होता है? कभी कहाँ होता, कभी होता तो ये आपको ऐसा कूड़ा करकट दिखता है यहाँ। तो इस कारण जो भी जैसा भी हो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान तो ही है, मगर स्वच्छ और सुंदर रहे, इसको हम आपको सभी को योगदान करना पड़ेगा, तभी ये कोई कार हो पाएगा। आप सफाई रखते हैं? और क्या, झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लाया हूँ, रखा हूँ। अच्छा, अपने कहाँ झाड़ू है, दिखा दीजिए झाड़ू। सामने रखा हुआ है, झाड़ू रखे हैं, वही आप ही का झाड़ू? हाँ, जब देखो झाड़ू लगाता रहता हूँ। अपने तो घाट पे जो अस्थाई लोग आएंगे उनके लिए तो भाई साफ सफाई। लोग कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो पुजारी होते हैं, पूजा वूजा करवाते हैं वहाँ, वो मना नहीं करते श्रद्धालुओं को, अगर मना करे तो सफाई रहे, इसमें भी आप लोगों का योगदान। एक बार उनसे लोगों से कहा जाए, भैया जी ये कूड़ा कचरा जो लाए इसको बाहर रखिए, फिर भी नहीं मानकर वो लोग पन्नी सुधा वो लुका देते हैं गंगा जी के ऊपर। अब इसके दौरान उससे लड़ाई तो कर नहीं सकते, मारपीट तो कर नहीं सकते, प्रेम से कह ही सकते हैं, इसलिए अतिथि वो यात्री है हमारे भाई, उनसे दायित्व से ही बात करना ज्यादा संभव माना जाता है। लास्ट बार यहाँ सफाई कब हुई थी? लास्ट बार ये पितर पक्ष जो हुआ है अमावस्या को, उसी के एक दिन पहले ही हुई है। अच्छा। उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद कहाँ, थोड़े आते हैं यहाँ। सफाई का प्रावधान तो डेली का है, रोज सफाई होनी चाहिए। हाँ, अगर रोज होता तो ऐसे सुंदर साफ दिखता कि आप पूछने की बात ही न करते भाई, कोई कार्य करते ही नहीं ऐसा, ये साफ सफाई की वजह से। श्रद्धालुओं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सूरज निषाद। कहाँ से आए हैं आप? पुरानी जूसी। ये सफाई के बारे में क्या कहेंगे? सफाई होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन स्वच्छ तो नहीं है, क्या कहेंगे लोगों से, अधिकारियों से क्या कहेंगे? कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब थोड़ा नवरात का सीजन चल रहा है, माई के धाम में बिजी है। तो नवरात का सीजन चलेगा तो सफाई नहीं होगी? सफाई होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कर्मचारी करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ आए हैं स्नान करने? नहीं नहीं, अकेले आए हैं, पैसा खोजने वाले। अच्छा, क्या काम करते हैं? पैसा खोजते हैं। पैसा खोजते हैं, पैसा निकालते हैं उसमें से? हाँ। कैसे? हाथ से? के हाथ से चुम्बक उम्बक लिए रहते? नहीं, चुम्बक नहीं लिए, कुछ नहीं लिए रहते, वह डुबकी मार करके पैसा निकालते हैं। गोताखोर। कितना निकाल पाए आज? अरे 100-150 रुपए। 100-150 रुपए सिक्का ही मिलता है? हाँ, सिक्का। मतलब डेली आते हैं कि? डेली आते हैं, डेली 100-150 रुपए निकाल लेते। अब सोच लीजिए दर्शकों, इस गंगा की वजह से लोगों का जो है रोजगार भी चलता है, पेट भी चलता है, समझ रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं? नहीं, अभी नहीं, बस यही पैसा निकालने वाला। पैसा निकालने। अच्छा, ये देख सकते हैं, आइए देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, यहाँ पर जो है देखिए पूजा पाठ करने वाले, देखिए गंगा दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं। उधर दिखा दीजिए, क्या नाम है माता जी आपका? अंजू। कहाँ से आई हैं आप? इलाहाबाद से।
अच्छा, इस सफाई के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से ये सब कचरा वगैरह? हाँ, सफाई तो अच्छा नहीं लगा भैया हमको भी। सफाई अच्छा नहीं लगा? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं, सफाई का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। उनके अंदर किस अपने अपने यहाँ का गंगा की छवि उनके अंदर किस तरह की जाएगी, ये चीज तो है ना। हाँ, हमारे नजर में भी तो ये लगा था कि यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा होगा। हाँ। लेकिन आके देखने के बाद मन अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा ना, मन विचलित हो गया। हाँ, ना? जाने में थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही है इतनी गंदगी देख के। हाँ, हाँ, हाँ। अब जान लीजिए दर्शकों, जब गंगा जी साफ रहेंगी तभी तो श्रद्धालु जाएंगे स्नान। हाँ। करने, जब गंदगी रहेगी तो कहाँ से जाएंगे लोग, बताइए आप। ये अब देखिए, ये बोल रही हैं कि मन जो है, मन नहीं बोल रहा है जाने के लिए, स्नान करने के लिए सोची थी आज? नहीं नहीं, इसी तरह दर्शन। दर्शन कहाँ, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, सफाई के बारे में? नहीं, आजकल तो ठीक है, लेकिन पहले तो बहुत गंदगी थी। आजकल तो ठीक है। पहले तो बहुत गंदगी थी। अभी तो फिलहाल नहाने लायक हो गया है उस तरफ घाट पे, उस तरफ संगम की तरफ। हाँ, उधर साफ सफाई रहती है? जी जी जी, उधर रहती है। अभी उधर भी चलेंगे, उधर क्या साफ सफाई नहीं है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी देख लीजिए, ये इस घाट का नाम है राम घाट, यहाँ पर भी स्नान करते हैं लोग। और यहाँ पर सफाई का देखा जाए तो सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं कि जो है, जब पितृ विसर्जन था तो उसके एक दिन पहले यहाँ पर सफाई हुई थी, उसके बाद अभी तक यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। क्या यहाँ पर सफाई होनी चाहिए? क्या इस तरह का स्थिति रहना चाहिए यहाँ पर? आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत